नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो बॉलीवुड गपशप में। वैसे तो हम रोजाना आपके लिए फिल्मी जगत से कई खबरें लेकर आते हैं जो आपको एंटरटेन करती हैं, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आए हैं, तो देर किस बात की, हो जाइए तैयार होने के लिए एंटरटेन। टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मौनी रॉय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनका कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही धमाल मचा देता है। मौनी रॉय के फैंस फॉलोइंग में पिछले कुछ वक्त में जबरदस्त उछाल आया है। एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग और डांस के दम पर दर्शकों के दिल पर खास जगह बना ली है। इन दिनों सोशल मीडिया पर मौनी रॉय का एक जबरदस्त डांस वीडियो धमाल मचा रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस पतली कमरिया सॉन्ग पर जबरदस्त डांस मूव से दर्शकों का दिल जीतती हुई नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसने फैंस को दीवाना बना दिया है। पतली कमरिया गाने पर मौनी रॉय के डांस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कमेंट कर उनकी तारीफ भी लोग काफी कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट किया और लिखा है कि इस गाने की खुशी में इस गाने पर पहले ही डांस कर लिया। सपना चौधरी काफी स्टाइलिश ग्लैमरस होती हुई नजर आ रही हैं। शुरुआत में जहां सपना केवल सूट सलवार में ही नजर आती थी, वो वहीं धीरे धीरे उन्होंने साड़ी और दूसरी ड्रेसेस कैरी करना शुरू करा। वही आज की सपना पूरी तरह से बदली बदली नजर आती है। वो पहले से काफी स्टाइलिश हो चुकी है और ज्यादातर वेस्टर्न आउटफिट में ही नजर आती है और फैंस को उनका यह अंदाज बखूबी भाता भी है। वह इस बार सपना ने सूट सलवार वेस्टर्न आउटफिट छोड़कर नाइट वेयर में तस्वीरें शेयर की हैं और साथ ही लिखा है मजेदार कैप्शन, सपना चौधरी इन तस्वीरों में काफी स्टाइलिश नाइट वेयर में नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में जहां वो शर्माती दिख रही हैं और उन्होंने हाथ में काफी सारे हेयर बैंड ले रखे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सपना कैमरे में देख रही हैं और यहां भी उन्होंने हाथ में हेयर बैंड पकड़ा हुआ है। वहीं तस्वीरों से ज्यादा मजेदार कैप्शन है जिसमें सपना चौधरी ने लिखा है कि वो पजामा में भी कितनी ग्लैमरस दिखती है। बिग बॉस 14 की विनर बनी रुबीना दिलाय घर से बाहर आने के बाद से ही पति अभिनव शुक्ला और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। इस बीच वो अपने अगले प्रोजेक्ट्स पर भी लगातार जुटी हुई हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर वो कई तस्वीरें और वीडियो भी शेयर कर रही हैं, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में दो तस्वीरें और फैंस के साथ कुछ वीडियो शेयर की हैं। इन तस्वीरों के जरिए रुबीना दिलायक ने संकेत दिया है कि वो टीवी के पॉपुलर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास के दूसरे सीजन का हिस्सा बन सकती है। इन तस्वीरों में रुबीना ने उसी शो की तरह ही मेकअप किया हुआ है और वैसे ही रुबीना ने ज्वेलरी पहनी हुई है। उनके कानों में बड़े झुमके हैं जिस पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है। उन्होंने हाथ में बड़े से कंगन भी पहने हुए हैं और फैंस इस लुक को काफी पसंद भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आइडिया लगा लिया है कि रुबीना शक्ति अस्तित्व के एहसास की पार्ट 2 में नजर आने वाली है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बीते दिनों टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी रचाई है। सोशल मीडिया पर जसप्रीत और संजना की शादी की तस्वीरें तेजी के साथ वायरल भी हो रही है। वहीं अब उनकी शादी समारोह से एक रोमांटिक डांस वीडियो भी सामने आया है। इस डांस वीडियो में जसप्रीत और संजना बेहद रोमांटिक अंदाज में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के इस डांस वीडियो को लोग देख कर कह रहे हैं कि ये किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा है। आपको बता दें कि दोनों का ये डांस वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया है। जसप्रीत के फैंस के साथ साथ बॉलीवुड और खेल जगत के लाखों लोग इस वीडियो को शेयर कर उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। दोनों इस वीडियो में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले कदम से कदम मिलाते हुए डांस करते दिख सकते हैं। आपको बता दें कि उनके इस डांस वीडियो को जसप्रीत के फैन पेज से शेयर किया गया, जिसके बाद वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपने रिलेशन स्टेटस को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कियारा और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा रिलेशन में हैं। हालांकि ना तो सिद्धार्थ और ना ही कियारा ने कभी खुलकर अपने रिलेशनशिप पर कुछ कहा है। आपको बता दें कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ जल्द ही अपकमिंग फिल्म शेरशाह में नजर आने वाले हैं। वैसे आज हम आपको फिल्म शेरशाह नहीं बल्कि कियारा के उस इंटरव्यू के बारे में बताएंगे जो अच्छी खासी सुर्खियां बटोर चुका है। इस इंटरव्यू में कियारा ने बताया है कि इस साल की शुरुआत में वो एक रोमांटिक डेट पर किसी के साथ गई थी। खबरों की माने तो कियारा किसी और के साथ नहीं बल्कि सिद्धार्थ के साथ ही डेट पर गई थी। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान कियारा ने किसी का नाम नहीं लिया है, ऐसे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं।
और बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।